हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि हम अपने ब्राउज़र की हिस्ट्री जो है वो कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो उसके बारे में मैं आपको एक बार फिर बता दूं, इस पे क्लिक करना है और ये नीचे आपके आ गया क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री। और ये देखिए, अब हमारे पास ऑल टाइम है। इसमें हम मैंने आप 24 आवर्स की, 7 डेज और 4 डेज की भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने ऑल टाइम पे क्लिक करना है। उसके बाद क्लियर डाटा, देन क्लियर। तो ये मेरी हिस्ट्री जो है वो हो जाएगी अभी क्लियर। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट, अब देखो ये हिस्ट्री तो क्लियर हो गई, लेकिन फिर भी आपको पेज ओपन करने में प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपका कोई टेस्ट होता है या कुछ और चीज़ का पेज ओपन करते हो तो वो थोड़ा हैक हो जाता है, या फिर अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो हिस्ट्री है वो पूरी तरह से क्लियर तो हो गई है, लेकिन आपके और भी बहुत सारे पेजेस जो हैं जो आपको आपका टेस्ट ओपन करने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या सबमिट करने में, तो वो क्या है, ऊपर नए बने हुए टैब। तो देखो यहाँ पे मेरे फोटो के सामने लिखा हुआ है 10। तो ये देखिए, बहुत सारे जो पेजेस हैं न्यू टैब के ये खुले हुए हैं। तो हमने इनको भी टेस्ट देने से पहले कर देना है रिमूव। रिमूव कैसे करना है, ये देखो क्रॉस का साइन बना हुआ है, इस पर क्लिक करना है। यस, इन सभी जो टैब्स हैं बने हुए न्यू टैब, इनको हमने कर देना है डिलीट। और आपके जो पुराने टेस्ट होंगे, जो और भी टैब बने होंगे, उसको कर देना है डिलीट। तो ये सारे डिलीट हो गए। अब देखो वहाँ पर मैं जब ओपन करूँगा तो न्यू टैब आएगा। तो जब आप टेस्ट ओपन करोगे तो सीधा इसी में खुलेगा, तो वो खुद न्यू टैब बन जाएगा। तो अगर आपके ये सारे टैब हैं तो आप उसे कर लीजिए डिलीट, तो ताकि आपको जो टेस्ट सबमिट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।